जय गुरु जी, राधे राधे फ्रेंड। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और ये मैंने गोभी काटी थी, तो गोभी में थोड़े बहुत कीड़े होते हैं ना, तो इसलिए हल्दी और गर्म पानी डाल के मैंने वो उसको थोड़ी देर भिगो दिया है, ताकि जो छोटे मोटे जो होते हैं ना कीड़े वगैरह जो भी हो वो निकल जाएं। वैसे दिख तो नहीं रहते, लेकिन फिर भी मेरे को थोड़ा सा भयम होता है। कई बार गोभी साफ़ सुथरी नहीं लगती ना, तो मैं फिर ऐसे कर देती हूँ। तो बस यहाँ पे मैंने गोभी कर दी, वो गोभी धोने के बाद यहाँ पे मैंने सब्ज़ी बना रही हूँ, गोभी आलू की हुई। तो बस यहाँ पे अपना सब्ज़ी बना रही हूँ और टमाटर वगैरह डाल दिए। तो और सब्ज़ी आपको पता है मैं कैसे बनाती हूँ सब्ज़ी, मतलब कि प्याज वगैरह तो नहीं डालती, इसलिए ऐसे ही बनाते हैं। टमाटर हींग जीरे के तड़का, हींग जीरे का तड़का लगा के। तो बस यहाँ पे मेरे मसाले डाल दिए टमाटर में, जब तक थोड़े से टमाटर सॉफ्ट हो जाएंगे, और उसके बाद डाल दूँगी मैं ये गोभी आलू जो मैंने धोए हैं, काट के रखे हैं जो। और बस यहाँ पे फटाफट सुबह सुबह का वही मेरा काम चल रहा है, उनका लंच पैकिंग की तैयारी, मतलब उनका लंच पैक करना है। तो यहाँ पे मेरा मसाला भुन गया, उसके बाद मैंने डाल दिया यहाँ पे सब वो गोभी आलू डाल दिए। और अभी टाइम शायद 8 बज रहे थे या फिर शायद 8 ही बज रहे थे। तो बस यहाँ पे मैं सब्ज़ी बना दूँगी। और अभी मम्मी पूजा तो हमारी मतलब पूजा हो गई है, सुबह जल्दी उठ गए थे तो पूजा भी जल्दी हो गई थी टाइम से। बस मेरा खाना रह रहा है और ये नहाने गए हैं अभी। तो बस यहाँ पे मेरी सब्ज़ी वो हो गई है, यहाँ पे मैं सब्ज़ी जब तक बनेगी यहाँ पे स्लैब वगैरह साफ़ करके मैं बनाऊँगी रोटियाँ इनके लिए। तो बस रोटी के पराठे बनाऊँगी, गोभी आलू की सब्ज़ी के साथ पराठे अच्छे लगते हैं, तो बस पराठे ही बनाऊँगी। और ये मैंने पराठे बना लिए हैं इनके लिए, पराठे बना लिए थे मैंने, उस टाइम वीडियो नहीं बनाया था। तो ये साइड में जो रखा है वाइट वाला, ये चकला रखा है, क्योंकि गरम गरम पराठे थे तो मैंने सोचा फटाफट पैक कर दे रही हूँ, और इनका टाइम भी हो रहा था इसलिए। तो मैंने पहले स्लैब वगैरह साफ़ नहीं की, मैंने कहा पहले इनका टिफ़िन पैक कर दे रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने इनके टिफ़िन में रख दिया है गोभी आलू की सब्ज़ी और पराठे, बस इस टिफ़िन में रख दूँगी ये टिफ़िन। और इस टिफ़िन में वैसे एक चीज़ है, अगर कुछ खाना वगैरह रख दो ना, और ये देखो मेरा फॉइल पेपर नहीं था ना, तो मुझे ये जुगाड़ करना पड़ा। ये पेपर ना इसमें वो हनुमान बाबा के लिए ना प्रसाद लेके आए थे, तो ये पेपर खाली रखा था, तो मैंने इसी में ना रोटी ऐसे रैप करके रखी है। ये देखो फॉइल पेपर ख़त्म हो रहा है, मंगाना है इसलिए। तो बस मैंने नीचे टिफ़िन में रख दिए गोभी आलू की सब्ज़ी, और ऊपर से ये लिड लगा दूँगी, मतलब एयर टाइट है ना, तो टिफ़िन चाहिए इसमें। अगर गर्म खाना रखो तो गर्म रहता है और सॉफ्ट रहती है रोटियां, मतलब सूखती बिल्कुल भी नहीं है, और अच्छा रहता है इसमें खाना टिफ़िन में, ठीक है। और ये बस हो गया इनका टिफ़िन पैक। और यहाँ पर मैं आई थी और भगवान जी के कपड़े ये धोए थे ना, जो ऊपर छत पे सुखाने आई थी, क्योंकि अब मौसम आपको पता है ठंडा हो गया है, तो इसलिए छत पे सुखाने आई ताकि जल्दी सूख जाए, नहीं तो ऐसे ना गीले गीले रहते हैं कपड़े भगवान, मतलब भगवान जी के हों या हमारे। तो ये मैंने जब बर्तन वगैरह धोए थे ना, तभी मैंने साथ में मतलब रसोई का किचन का काम करके, तो मैंने फिर वहीं के वहीं भगवान जी के कपड़े भी धो दिए थे। तो फ्रेंड वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, और मैं भी ठीक हूँ। और अभी टाइम हो रहा है सुबह के 10:30 हो रहे हैं, और मैं यहाँ भी कपड़े सुखाने आई थी, ये लेके जाऊँगी नीचे, कपड़े सुखाने आई थी। 2 दिन से ना कपड़े नहीं धुल पाए कानों के, मतलब कल नहीं धुल पाए थे, आज तो धो दिए मैंने दोनों, कल के और आज के धो दिए। तो अब मैं जाती हूँ, नाश्ता हमने कर लिया, चाय वगैरह, और सुबह का सारा काम जो होता है ना, नाश्ते वगैरह का, बर्तन वर्तन का, सबका हो गया काम। और अब जाऊँगी सब्ज़ी लेके आऊँगी सब्ज़ी मंडी से, यहीं पे पास में हमारे यहाँ सब्ज़ी मंडी, 5-7 मिनट का रास्ता है। यहाँ पे चौराहे पे भी इधर सब्ज़ी वाले बैठते हैं, लेकिन पता है यहाँ पे सब्ज़ी बहुत महंगी होती है, इसलिए मैं यहाँ नहीं जाके मंडी जाऊँगी, 5 मिनट का रास्ता है, फटाफट जाके सब्ज़ी ले आऊँगी वहाँ से। मैं अकेली जाऊँगी, कोई नहीं चली जाऊँगी, 5 मिनट का ही रास्ता है, ज़्यादा दूर नहीं है। तो बस चलिए जाती हूँ। और नाश्ते में आज हमने क्या खाया था, नाश्ते में रात को गट्टे की सब्ज़ी बनाई थी ना, तो वो रखी थी, तो पराठों के साथ वही खाई थी, गट्टे की सब्ज़ी और पराठा और चाय। चलिए जाती हूँ, सब्ज़ी भी लेके आनी है मुझे, और वीडियो भी एडिट करनी है। मिलते हैं बाद में, बाय।
तो मैं ये सब्ज़ी लेने गई थी और मैं ये खुद अकेले ही लेने गई थी सब्ज़ी, मतलब शायद मैं पहली बार या फिर दूसरी बार ऐसे कुछ गई हूँ। मैं कभी जाती नहीं हूँ अकेले सब्ज़ी लेने। और सब्ज़ी मैं देख ये देख रहे हो सारी सब्ज़ी, ये 200 रुपये की, इतनी महंगी हो रही है सब्ज़ी। सिर्फ टमाटर से और सेम की फली और एक बंद गोभी और ये आलू लाई थी और हाँ और आंवला वगैरह लाई थी पूजा के लिए और हरी मिर्च अदरक, बस यही सामान 200 रुपये का है। कोई है? और यहाँ पे सब लेटे हुए हैं। हेलो फ्रेंड्स, और अभी टाइम हो रहा है 4:15 और खाना पीना खा के हम लेट गए थे। ये भी अभी सो के उठी है मैडम, चकले देखो इनकी चश्मे से खेल लिए मम्मी के, बिस्तर कंबल बम्बर पड़े हैं यहीं पे। मम्मी अभी गुड़िया को टॉयलेट कराने ले गई हैं, छोटी बड़ी वाली गुड़िया को। ये देखो कैमरे के सामने इतराती है और देखो आवाज। तो अभी बस सोए तो नहीं है, मतलब लेटे हुए थे, टीवी वगैरह देख रहे थे और बस ऐसे ही। थोड़ी सी हरारत सी नहीं है जाती बिस्तर में, ठंड लग रही है ना, अब ठंडा मौसम हो गया इसलिए। तो मम्मी अभी गुड़िया को सूसू कराने ले गई है, वो खींच के ले गई उसको ना। अभी ये लालटेन ना जो आपने देखी थी वो हिला रही थी, तो मम्मी ने कह दिया कि ऐसे खेलते हैं, जागते रहो भूत आ जाएगा। तो वो बाथरूम करने जा रही थी इसलिए मम्मी उसको बाथरूम कराने ले गई हैं। कह रही मैं नहीं जा रही, कराने लेके चलो फिर बाथरूम करा के लेंगे। चलिए अब थोड़ा उठेंगे, चाय वाय बनाएंगे। चोनी ठंडी लग रही है, चाय बना लो मम्मा के लिए, चाय बना लो। चश्मा टूट जाएगा दादी का। चलिए बाद में मिलते हैं आपसे, बाय। और यहाँ पे ये देखो ग्रीन वाला टिड्डा होता है ना, ये मम्मी लेके आई थी। तो मैं पहली बार तो मम्मी मेरे पास लाई थी तो मैं डर गई थी, फिर मम्मी कह रही अच्छा चल उड़ा देती हूँ उसको। तो वो इसको उड़ा रही है मम्मी, पता नहीं उड़ नहीं पा रहा क्या हो गया, तो उड़ गया था फिर अपने आप ही थोड़ी देर में। और ये फिर मैंने थोड़ी देर और फिर बर्तन वगैरह धोए थे जब लेट आराम से लेटी हुई थी, फिर उठी, फिर उठ के बर्तन वगैरह धोए, उसके बाद मैं बनाऊंगी चाय वगैरह बस यहाँ पे। और टाइम शायद अब 4:15 का टाइम, नहीं 4:30 तो नहीं, 4:15 का टाइम हो रहा है। तो यहाँ मैं बर्तन वगैरह धो रही हूँ अपने किचन के, जो लंच में जो मतलब ना खाना खाया तो वही इसलिए कप बर्तन नहीं धोए थे। फिर थोड़ा सा ये है ना आलस आ गया खाना खा के, थोड़ा सा मौसम ठंडा हो रहा है तो अब इसलिए ऐसे ही होता है, खाना खा के बैठ जाओ तो थोड़ा सा आलस आ जाता है इसलिए। तो फिर बर्तन बाद फिर मैंने शाम मतलब 4 बजे करीब, 4:30 करीब बर्तन धोए थे बस। और मेरे को ऐसा लगता है कई बार मैं ना वो मेरा फेस बहुत भारी हो रहा है जैसे, और डबल चिन भी दिखने लगी है मेरे फेस पे। पता नहीं बस शायद या तो ऐसे ही हो रहा है। और ऑयली खाना खा के मेरा तो पेट भी बाहर निकलने लगा है। डेली जब से गुड़िया हुई है उसके बाद मतलब बहुत सारे चेंजेस हो गए हैं बॉडी में, पहले ऐसे नहीं थे लेकिन अब बहुत सारे चेंजेस हो जाता है ना डिलीवरी के बाद, बच्चा होने के बाद, तो बस वही चेंजेस हो रहे हैं। क्या करती है? क्या बड़ा हो रहा है? क्या ये चीर बड़ा हो रहा है? नाप लिया? लाप लिया। कितना बड़ा हो रहा है सोनी? एक और दो और तीन बड़ा हो रहा है। एक और दो और तीन बड़ा हो रहा है। ये देख मैं क्या कर सकती हूँ। क्या कर सकती है? ये देखो क्या हो गया? दादी मेरी नाक फोड़ दी। फोड़ दी? क्या कर दी दादी ने? तुमने मेरी नाक फोड़ दी। क्या कर दी सोनी दादी ने? क्या क्या कर दिया दादी ने? क्या
क्या कराना है बताना बताना। तुम मेरे को मार दो। और यहाँ पर मतलब मेरे मैंने झाड़ू वगैरह लगाई थी और बर्तन वर्तन धोने के बाद और चाय मेरी शायद बन रही है, चाय बनाने रख दी थी, फिर मैंने झाड़ू लगाई जब तक चाय बनी तब तक, तो बस यहाँ पे फटाफट से झाड़ू वगैरह लगा के, और देख रहे हो कितना कूड़ा वगैरह निकल रहा है। ये दोनों मैडम कूड़ा करती रहती है, देख रहे हो सारे इनके खाने पीने के ही रैपर हैं, चीज़ वगैरह हैं जो बस खा पी के फेंक देती हैं। भैया इनको क्या है, रानियों की तरह रहती हैं। वैसे भी बेटियाँ रानी तो होती हैं। और यहाँ पे मैंने शाम को बनाए थे दाल चावल, काली मसूर की दाल बनाई थी, काफ़ी दिन क्या मैंने अभी थोड़े दिन पहले बनाई थी वैसे, पर मन वैसे मेरा लाल मसूर दाल खाने का मन था लेकिन लाल मसूर की दाल अभी ख़त्म हो रही है घर में इसलिए। और ये मैं दिखा रही थी कि गोभी आलू की सब्ज़ी भी रखी हुई है सुबह वाली, और टिफ़िन में दो रोटियाँ भी रखी हुई हैं इसलिए मैंने दाल चावल बना लिए। और यहाँ मेरा पानी गर्म हो रहा है दाल दाल में डालने के लिए, क्योंकि दाल थोड़ी गाढ़ी हो गई थी इसलिए, तो यहाँ पे बस मैंने दाल थोड़ा पानी डाल दिया मैंने, बाकी थोड़ा ही डाला है जब बाद में डालूंगी जब लगेगा कम। और यहाँ पे मैंने डाल दिया अपना तेल, और दाल में तड़का लगा दूंगी हींग जीरे टमाटर से, बस और कुछ नहीं, सिंपल। देखो दाल चावल बन गए हैं, और कुकर दाल का कुकर हो रहा है तो साइडों में दाल लगी हुई है, तो प्लीज़ ये मत सोचना कैसे कुकर हो रहा है, तो दाल वाला कुकर हो रहा था। तो यहाँ पे मैंने दाल चावल बन गए हैं, ये मैंने निकाल लिए लड्डू गोपाल जी की थाली, तो उसमें मैं उनको खाना दे दूँगी। और ये है खाना वाना खाने के बाद रात को ये मैं आंवले में वो कर रही हूँ, थोड़े थोड़े से होल बना रही हूँ, मतलब थोड़ी सी जगह बना रही हूँ, क्योंकि आपको पता है कल आंवला नवमी है, तो उसकी तैयारी करके मैं रात में रख रही हूँ, क्योंकि मम्मी को सुबह दिए जलाने, और मम्मी को वैसे गंगा जी जाना था लेकिन जा नहीं पाई मम्मी, और यहाँ पर मैं इसलिए इनमें होल कर रही हूँ ताकि इनके अंदर ना तेल या फिर घी भर के ना वो जला सकें, मतलब दिए, तो रात में इसलिए करके रख रही हूँ क्योंकि सुबह सुबह टाइम नहीं होता, टाइम बहुत जल्दी भागता है सुबह सुबह, इसलिए ताकि टाइम से पूजा हो जाए मम्मी की। तो ये आप देख रहे हो मैंने ये करे होल ऐसे पांच, उसमें आपकी इच्छा है जितने मर्जी उसमें कर लो, मैंने और भी करे थे बाद में। और ये सुबह का क्लिप है आज सुबह का, तो ये मम्मी पूजा के लिए जा रही थी, मैं अभी नहाई नहीं थी कहाँ, तो मम्मी तो नहा ली थी लेकिन फिर मैंने कहा मम्मी पूजा करने चली जाएंगी, क्योंकि मैं नहाई जब तक दिन निकल गया था, तो ये मम्मी ने काल तिल डाले राई डाल दिए, कहते हैं कि खाली दिए नहीं जलाते हैं इसलिए, तो ये आज का आज ये पूजा के लिए मम्मी जा रही हैं ऊपर पूजा करने। तो चलिए इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, राधे राधे, जय गुरु।